Hey guys, welcome to another video. कैसे हैं तो भाई, होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना घर मजे कर रहे होंगे। मैंने नीचे इंट्रो इसलिए दिया क्योंकि ऊपर गाने बज रहे हैं, तो तुम्हारा भाई जा रहा है पूजा करने। माँ की भक्ति का टाइम हो गया, भजन का टाइम हो गया है, ठीक है। मैं हमेशा थोड़ा लेट कर देता हूँ, इतने दिनों से देख ही रहे हो डेली, बट आज थोड़ा सा जल्दी हो गया हूँ। जल्दी से जाकर के माँ पूजा करने होगा, तो मैं भी पूजा कर लेता हूँ, ठीक है। और आप सबको जय माता दी। बाकी जो कल मैंने वीडियो डाली है ना, ये जो मैंने कल वीडियो डाली है ना, इसके अंदर ना कोई भी मोटिव ये नहीं था कि तुम किसी भी दो नास्तिक लोग तो पहली बार मत देखना, ठीक है। उस वीडियो को मैं क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो कल वीडियो डाली है उसको नास्तिक जो होते हैं ना, ठीक है, वो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि ऐसा कुछ है भी नहीं भी है, ठीक है। और मैं भी कोई कुछ क्लियर स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, ठीक है, जो है ठीक है, जो हमारी श्रद्धा है हम मानते हैं। एक चार भुजाधारी मस्तक पर सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। तस्मिन् देवी सर्वे। सबसे बढ़िया मशीन है ये, पता है, मतलब जूस रिकॉर्डने के लिए ना, तो पापा ऐसे ही हैं, पापा का नहीं है। अब देखो ये जो है, ये मशीन है, इससे अब देखो कितना जूस लिगड़ा है, और एक नंबर का जूस लिगड़ा है। मशीन भी रखी है मेरे इधर है, लेकिन उससे इतना बढ़िया जूस नहीं निकलता होगा। इससे सबसे बढ़िया जूस निकलता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना बीज वगैरह जो होते हैं ना इसके, वो मिक्स नहीं होते, इसमें रॉ रॉ निकलता है, जो होता है रस होता है ना, जो जेन्युइन वो रस निकलता है इसके अंदर। देखो दिखाता हूँ तुम्हें भाई, इसमें बड़ा रस है देखना एकदम, मतलब अभी मैंने काटी इतना तो रस ये लिगड़ गया, ये भी वेस्ट नहीं होने दूंगा, एक एक बूंद का मतलब बोल लूंगा, वर्थ इट करूंगा इसको। ये देखो भाई सब इसमें ना, अभी देखो ये सब निकल गई इतनी सारी, ये देखो इतना सारा जूस निकल गया। अरे देखो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारे चक्कर में ना यार आधा काम तो खराब ही हो जावे मेरा। ओ ओ फैल हो गया, माँ डांटे इससे पहले मैं साफ करके धर देता हूँ। आज तुम्हारा भाई थोड़ा बढ़िया बढ़िया सा लग रहा है मेरे ख्याल में। लो आ गया मैं ऊपर अपने, ये देखो तुम्हारा भाई अब अकेला पिएगा इसको। ले खट्टा यार बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ा आ रहा है बहुत ज्यादा। अब तो ये गड़बड़ है, फिर सिमरन ने वीडियो बना ली तो। माँ कसम गड़बड़ नहीं है, माँ कसम मैंने छेड़े भी नहीं है। अब तू कहता है कि मेरी बैटल करती, तू खुद रिएक्शन ऐसे देता, मैं क्या करूं? तो ये इतना खट्टा कैसे है? इधर नमक डाल ले। नहीं नमक डाला है मैंने, नमक और गुड़ डाल। अब भूत नहीं, अगर नमक और डाल दिया ना तो गुड़ डाल ले। मेरे ब्लॉक के लेकर दो सिप पी ले, पूरा लोटा भर के पिया है। तो तुमने कोलगेट के ऊपर नहीं पिया, कोलगेट के ऊपर तो। अबे ऐसे बता, लड्डू लिया पी रही है, दो सिप पीना है, पीना है तुझे? अबे चाय की तरह कौन पीता है? मैं भाई अगला बंदा लड्डू लेकर के आके तब खा रहा है, तब पी रहा है। अब इसे छोड़ दे, अब छोड़ दे, अब पूरा लड्डू खा जा, पहले मुंह का लड्डू खा जा पूरा। ऐसे नहीं चढ़ते, ऐसे मुंह दिखा रहा है। और मैंने कोलगेट को पी लिया, अब कोलगेट कराया। हाँ चल ठीक है, अब पी। यार सच में भूख लग रही है, और मैंने कोलगेट को पी लिया। इतना खट्टा कैसे है? इतना खट्टा कैसे है? सच में ज्यादा खट्टा है। मुझे भूरा लाइयो, एक काम कर, भूरा और नमक दे।
देख इसे मैं एक सांस में पीजा, एक सांस में पीजा, उसके बाद ना पता नहीं लगेगी, उसके बाद मजा आएगा पीजा, उसके बाद ना पता नहीं लगेगी, उसके बाद मजा आएगा। मैंने तरीके से एक सांस में पी गया, फिर उसके बाद लग रहा है कि मस्त तो लग रहा है, खट्टा लग रहा है, मस्त लग रहा है। एक सांस में मीठा कर अबे एक सांस में पी के देखेगा, चल दो घूंट एक साथ पी के देख ले, अपना पता लग जाएगी मेरी बात कितनी सच है कितनी झूठ है। अब मुंह से हटाने का मन नहीं करेगा तेरा, देखा ये है इसका वो तरीका पीने का। अब आया ना मजा, अब आया कि नहीं आया मजा, है ना, अब आया होगा मजा भाई। सच में खट्टा तो है लेकिन मजा, मतलब एक सांस में पी जाओ तो मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे पियोगे ना चाय की तरह तो यही होगा जो हो रहा था अभी। ज्यादा नहीं है वैसे भी, तो थोड़ा आप पी लो, थोड़ा हम पी लेगा। बढ़िया है पापा, कटिया गए थे तुम, थोड़ा था कैसी बात कर रहे हो। अरे थोड़ा बोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है पापा। मैं तो पिया ही नहीं, मुल्तान से बोल रहे हो, दूध रख दी चाय, कुल्ला कर रहे हैं दांत में, पहले कुल्ला कर रहे हैं। अब नहीं पिएगा चाय, रहने दो। अरे पापा थोड़ा पीना था बस, अब रहने दो, मत पियो इसको। पापा जी आपको क्या कह रहा था ये, पापा तो झूठ नहीं बोलते। पापा क्या कह रहा था अभी आपको, ये क्या हुआ पापा इसको? पापा की तबीयत खराब है पापा, कुछ नहीं सो के उठे पापा भाई, पापा ज्यादा ना बोलते, पापा की तबीयत खराब भाई, दस्त हो गए इसको और मेरे को भी। तेरे को और मेरे को भी, तेरे को और मेरे को भी, तेरे को है, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ भाई। दस्त हो गए ठीक है, खट्टा मीठा जूस है तो दोनों को दस्त, मेरे को नहीं इसी को है बस खाली गाइस, इसी को है। अभी भाई ऑफ कैमरा बोल रहा था, कसम से बोल रहा था भाई, तुम्हारा भाई देखो झूठ नहीं बोल रहा, नवरात्रे नवरात्रे, उसके बाद तुम विश्वास मत करना उस बात पे मेरी, अभी कर लो। लेकिन लेकिन इसी को दस्त हुआ है मुस्कान, मेरे को कम हुआ है, मैं तो बजे लेट था, मैं इसके मुंह से सुनना चाह रहा था। अच्छा मम्मी ने अकेले पूजा शुरू कर दी भाई, सुना सुना ये बहुत मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है अभी। क्या कहते हैं इस फल को, हम खरबूज लो, तो मैं इसका बैग पर दिखाता हूँ, ये बैग में ऐसा है दिखने में आम की तरह, बट ये अंदर से ऐसा है, बताओ क्या है भाई। तो बहुत मस्त लग रहा है यार, मस्त लग रहा है एकदम भाई। आ जाइए खीर, कुछ पकोड़े ठीक है, कुटू के आटे के कुछ खीलियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब गर्म है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना बेस्ट पार्ट कमेंट कर देना, लव यू। हे माँ, मैं जो पहले के पार्ट पढ़ चुका हूँ ना ठीक है, उनको मैं वर्बली बता दूंगा, बस तुम अभी जो मैं पार्ट पढ़ने जा रहा हूँ बस वो सुन लो, मुझे पता है तुम इग्नोर करोगे ठीक है, मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में बता दूंगा, मैं उसमें पढ़ लेता हूँ ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ठीक है, हमने पाँच पार्ट पढ़ लिए ठीक है, पांच पार्ट का मतलब जो चमत्कार जो उन्होंने माँ ने जो किया था, दुर्गा में दुष्टों का नाश किया था, दैत्यों का नाश किया था, बस मैं उनके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम इस चमत्कार के बारे में सुनने हो, तुम कमेंट तो करते नहीं हो वैसे भी, तो तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा मेरे ख्याल में, है ना। मैं तुमसे डायरेक्ट बोलता हूँ, देखो अपने मन की बोलता हूँ, और अगर तुम्हें बुरा लगता है तो यार मुझे बता दिया करो, अपन तो ऐसे नहीं बोलेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे चंड मुंड का वध ठीक है। तो दैत्य था चंडमुंड जो दैत्य था, उसको अब वध क्यों किया था ठीक है। स्तुति खत्म हो गई थी दूसरे तीसरे और चौथे पांचवे अध्याय में, ये स्तुति खत्म हो गई थी कि जब इंद्र पर फिर से कम भारी दैत्यों ने असुरों ने और चंडमुंड जो थे उन दोनों राक्षसों ने ठीक है, और शुंभ अशुंभ ठीक है, उस राक्षसों ने ठीक है माँ के प्रति जो
करा था ना वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो माँ मातंगी देवी का ध्यान करता मैं ध्यान लगाते हैं, ठीक है। माँ मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ, वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते के मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्णन श्याम है, वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हुई तथा कंगहार पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा बजाते ही बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है, वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। बेंदी मतलब बिंदी है ना, ललाट हाँ बिंदी। ऋषि कहते हैं तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा, वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोगों ने देवी के पास आकर खड़े हुए। तब अंबिका उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया था, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई थी और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए खड़ी थी। खटवांग धारण किए हुए चितेके के चर्म की साड़ी पहनकर मुंडकों की माला से विभूषित भी थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के लिए के कारण वे भी डरावनी प्रतीत हो रही होती थीं। उनकी आंखें भीतर के धसी हुई थीं और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे काली देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी। हथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थीं। इस प्रकार घोड़े रथ और सारथी साथ रहती सैनिकों को मुंह में डालकर वे अपने बड़े भयानक रूप से चबा लेती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती, छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनके दांतों से पीस डालती थीं। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली खा डाली और कितनों को बाहर भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गए, कोई से पीटे गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेनाओं को छड़भर में मार गिराया। उसे देख चंड और उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहा हो। जब तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभाव से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थीं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हूं का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में बहकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल और चारों ओर भाग गए। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का ध्यान ही वध करना।
ऋषि कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर महाकाल कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। हे माँ,